नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। तरनतारन के अधीन आते जब्बाल के सरपंच के अज्ञात व्यक्तियों ने गोलियां चलाकर की हत्या। काफी वर्षों से राजनीति में थे सक्रिय। अमृतसर के गांव छिना करम सिंह में भुग्गा जलाकर लोहड़ी मना रहे परिवार पर धमाके के बाद गिरी चिंगारियां, बाल बाल बचा परिवार। श्री चामुंडा देवी मंदिर प्रबंधक कमेटी न्यू जवाहर नगर मॉडर्न कॉलोनी जालंधर की तरफ से निकाली गई कलश यात्रा। 22 जनवरी के दिन लोगों को घरों में दिए जलाने का किया आह्वान। अरब हलचल विस्तार से। तरन तारण के अड्डा झब्बाल के सरपंच अवन कुमार सोनू चीमा पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। दो गोलियां लगने से सोनू चीमा गंभीर घायल हो गया था, जिसे एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृतक ऐलान दिया गया। गौरतलब रहे कि अवन कुमार सोनू चीमा करीब 35 वर्ष से सियासत में थे। किसी भी सरकार में उनकी इलाके में तूती बोलती है। चीमा के भाई जिला परिषद के सदस्य हैं और सोनू खुद कई वर्षों से सरपंच रह चुके हैं। 2022 के चुनाव में वे कांग्रेस की टिकट के दावेदार थे। विधानसभा हलका तरन तारण में पूर्व विधायक हरमीत सिंह संधु, पूर्व मंत्री गुलजार सिंह रणी के, आदेश प्रताप सिंह कैरो के साथ उनके सियासी संबंध रहे हैं। इस संबंधी DSP तरसेम मसीह ने बताया कि सोनू चीमा सुबह अपने घर से पुलिस थाना से करीब 1 किलोमीटर दूर हेयर ड्रेसर की दुकान पर कटिंग करवाने गए, जहां पर कुछ लोगों ने उन पर गोलियां चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई। DSP ने बताया कि उन्होंने इस संबंधी गहनता से जाँच शुरू कर दी है। जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर उन पर बनती कार्रवाई की जाएगी। भीकी विंड से हलचल के लिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सवेरे दुकान खोले उदे बाद आए ने वाल कटन, वाल कट कट के जो बाहर निकले ने इतने दुकान के अंदर ही खलोते ही तो नाल ही बुकल मारिया ही बंदा तो बुकल मारिया ही तो खलोता रहा 10 मिनट वो बाद उन्हें गोली मार के भज के गां गया। कितनी गोलियां मारी? दो गोलियां चली। कितने लगी? इधर बखी च लगी, इतने टेट च। बंदे उदो एनू मोटरसाइकिल लेके निकल गए अमृतसर वाले। एंड हजे तक भी ना शायद भी कोई अमृत पाल बाठ हैगा नाल दे लागे मियां वाली पिंड तो वो नाल कोई राइवलरी वगैरह चलती है। उन्हें फेसबुक पर पहले भी एक दो बार इन्हों थ्रेटनिंग पाई है भी मैं तदे करके मैं बाहर भजना पाया या करना पाया। तो मे बी कुछ होर एंगल्स से भी मेन तो अजे तक उही सामने आई है, बट कि होर एंगल्स से भी असं काम कर रहे हैं। स्पेसिफिक लीड्स साढ़े को असी छेती बंद फड़ लेंगे। अगर मेरे ख्याल पेट के बच्चे इंजरी सी, दो राउंड टोटल उतों मिले है, खोल सन दो ही राउंड मिले और दो फायर हुए। सर कोई डैथ हो गई उन्होंने? हाँ जी। तो सर अमृतपाल कोई गैंगस्टर है या किस तरह? नहीं जी, इतने ही पिंड तो वो असी अमृतपाल बल नहीं जी बाठ हाँ जी हाँ बाठ है वो तो वैसे वह नोटोरियस कह सकते हो परचे वो 16-17 परचे है और प्रेजेंटली वो पता लगे भी शायद जर्मनी च है तो इन्हों फेसबुक पर कई बार पहले जो हजे तक प्रीलिमिनरी तो पता लगे या साड़ी इन्वेस्टिगेशन है कि वो अलो थ्रेट किया गया सी तो अभी वर्कआउट कर रहे हैं जी। अमृतसर के गांव छीना करम सिंह में लोहड़ी पर्व के अवसर पर एक परिवार अपने घर के आंगन में भुग्गा चलाकर लोहड़ी मना रहा था। इस दौरान परिवार के सदस्य और बच्चे अलाव के चारों ओर बैठे हुए थे, तभी अचानक धमाका हुआ और इस दौरान निकली चिंगारी परिवार के सदस्यों के ऊपर आ गिरी। हालांकि उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनके कपड़े जल गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए जसपिंदर सिंह छिना ने बताया कि लोहड़ी पर्व के अवसर पर वे अपने परिवार के साथ अलाव के पास बैठे हुए थे और अचानक एक धमाका हुआ और इस धमाके की चिंगारी उनके और उनके परिवार के सदस्यों पर गिर गई, जिससे उनके कपड़े जल गए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जो भुग्गा लाया वा ये थले रेत नहीं सी विछाई हुई ना मिट्टी पाई हुई सी। अचानक जो अग तेज हुई तो फर्श गर्म होने कारण फट गया, जिहड़ा कि काफ़ी नुकसान कर सकता सीगा। वाहिगुरू की कृपा रही कि
नुकसान जेड़ा वो नहीं होया। मैं यही मैसेज देना चाहुंदा वा भैण भरावां अपने सारयां नूं कि जदों भी तुसीं लोहड़ी दे दिन त्यौहार दे उत्ते इहो जिहा प्रोग्राम करदे हो जां कुछ तुसीं भुग्गा लाउंदे हो तां कृपा करके टाइल दे उत्ते जां फर्श दे उपर मिट्टी जां रेत जरूर विछाया करो तां कि जिहड़ा किसे दा नुकसान जिहड़ा वा उह ना होवे, क्योंकि फर्श अक्सर गर्म होण कारण फट जांदा वा। ते इसे करके मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद सीगा। सो सारयां नूं सति श्री अकाल, वाहिगुरु की कृपा रही कि फैमिली च सारे सुख शांत ने। तो मेरा यही मैसेज है कि तुसी भी जदों किते भी लोहड़ी ते अग लाउंदे हो भुग्गा बालदे हो तो उहदे थले रेत जां मिट्टी जरूर विछाया करो तां कि जिहड़ा वा इदां दा नुकसान जिहड़ा वा उह ना हो सके। 22 जनवरी को श्री राम जन्म भूमि अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में श्री चामुंडा देवी मंदिर प्रबंधक कमेटी न्यू जवाहरनगर मॉडर्न कॉलोनी जालंधर की तरफ से श्री चामुंडा देवी मंदिर मॉडर्न कॉलोनी न्यू जवाहरनगर में श्री राम जन्म भूमि अयोध्या धाम से आए अक्षत कलश को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा की शुरुआत दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विज, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज ने नारियल फोड़कर की। उनके साथ विशेष रूप से पूर्व पार्षदपति मनमोहन सिंह, नीरज, अजय चोपड़ा भी शामिल रहे। कलश यात्रा के दौरान बैंड बाजे तथा ढोल सहित राम नाम की ध्वनि लगाते हुए क्षेत्रवासियों को 22 जनवरी को अपने अपने घरों और मंदिर में दीपमाला करने का संदेश दिया गया। सड़क के दोनों तरफ खड़े राम भक्तों ने कलश यात्रा का पुष्प वर्षा व लंगर लगाकर स्वागत किया। इस मौके पर गायक मुकुल घई ने प्रभु श्री राम जी के भजनों को गाकर भक्तों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। ये कलश यात्रा मंदिर से आरंभ होकर न्यू जवाहर नगर के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करते हुए आरती के साथ संपन्न हुई। आरती में विशेष रूप से दैनिक सवेरा की डायरेक्टर वाणी विज ने शामिल होकर आशीर्वाद लिया और सभी ने श्री राम भक्तों को अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए बधाई दी और सभी को अपने अपने मंदिरों घरों में दीपमाला करने के लिए कहा। मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट राजेंद्र सहगल ने कहा कि प्रत्येक हिंदू को ये दिन उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। हमारे बुजुर्गों की दिल की तमन्ना थी कि भगवान श्री राम का सुंदर व भव्य मंदिर बने और आज ये सपना साकार हो रहा है। इस मौके पर प्रधान तरसेम सहगल, वाइस प्रधान मोनिका सूद, सचिव सीए राजीव बांसल, ज्वाइंट सचिव अंजू मरवाहा, कमल जैन, एडवोकेट केसी गुप्ता, रजनी चावला, गौरव उपल, संगीता महेंद्रू, ब्रजेश सिंघल सहित असंख्य भक्तजन शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट।
जालंधर सेंट्रल से विधायक रमन अरोड़ा की ओर से सिविल अस्पताल में औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्हें वहां सैकड़ों कमियां देखने को मिली, जिस पर उन्होंने स्टाफ और उच्च अधिकारियों से नाराजगी जाहिर की। इस अवसर पर विधायक रमन अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिविल अस्पताल में चेकिंग के दौरान उन्हें कई कमियां दिखाई दी, जिसमें फायर सिलेंडर खराब होना, शराब की खाली बोतल मिलना, कैंटीन पर अव्यवस्था का आलम होना, कैंटीन पर मंजूर शुदा सामान के अलावा अन्य सामान की बिक्री होना व अन्य कई कमियां पाई गई हैं, जिसके चलते इस संदर्भ में उच्च अधिकारियों से पूछा जाएगा व सरकार के नोटिस में लाते हुए लापरवाही करने वाले स्टाफ पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। देखो मेन पहले तो कल नू पता लगा कि इतने थोड़ा जहा झगड़ा होया, रात में किसी ने शराब पी के झगड़ा किया कंटीन से, तो अज फिर सवेरे असी आके तो सारा चेक किया, तकरीबन तिना कंटीना से शराब दी बोतल भी मिली ने और काफ़ी होर भी पुठा सिद्धा समान मिले जोड़ा उसे नहीं होना चाहिए। सर एक चीज़ होर है, पता लगा कि दो कंटीना की लिस्ट जारी की हुई है, घट्टो घट तीन तो चार जो कंटीना चल रही है, चार कंटेनर कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, तो सारा उसका जवाब वेरीफाई कर सर। स्पाई डेट का सामान भी मिले कोई? बिल्कुल स्पाई डेट का सामान भी बहुत मिले जी। कमर्शियल सेंटर यूज़ कर रहे हैं कि यूज़ कर रहे कमर्शियल सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं? नहीं जी, डोमेस्टिक टोटल डोमेस्टिक सिलेंडर ने, कम से कम 25 सिलेंडर असी देखे सारे डोमेस्टिक। फायर सिस्टम लगा है? कोई फायर सिस्टम नहीं इतने लगे। अगर जो सर कोई घटना होंगी है तो कौन जिम्मेवार होगा? इसे करके तो आए हैं सारा चेक करने वास्ते, और जिड़ी भी गल इन्हों स्टाफ को पूछी जा रही है बिल्कुल प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे, गोलमोल जवाब दे रहे। हूँ ये पता लगा सामने वेरका का जो बूथ है उसे दूसरिया मशीन भी लगे हुई जी, इतने नहीं लगनिया चाहिए। सर एक चीज़ होर, फोटोस्टेट मशीन इतने लगिया हुई हैं, वेरका पंजाब सरकार ने बूथ दिते है जो वेरका का समान प्रमोट करने वास्ते, ना कि फोटोस्टेट मशीन लगाने। कांग्रेस के दिवंगत नेता संतोष चौधरी की पहली बरसी पर कांग्रेस के विपक्ष नेता प्रताप सिंह बाजवा उनके स्मारक पर पहुंचे। इस दौरान जहां उन्होंने चौधरी परिवार के साथ दुख साझा किया, वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा चौधरी परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई नई यात्रा 14 राज्यों से होकर गुजरात में समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आपसी भाईचारे और प्रेम भावना बनाए रखने को लेकर ये यात्रा शुरू की गई है। तो वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल इस भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस प्रभारी यादव को लेकर कहा कि उनका पंजाब में 4 दिन का दौरा रहा। इस दौरान उन्होंने सीनियर लीडरशिप सहित कई नेताओं के साथ मीटिंग की। इस दौरान प्रताप बाजवा ने कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा के जेल में बंद होने के मामले को लेकर कहा कि पुराने पर्चों को लेकर उन्हें जेल में बंद किया गया है, जो कि अकाली दल की सरकार के समय में पॉलिटिकल नीति के तहत किया गया था। वे उन्होंने सुखपाल खैरा के केस को लेकर कहा कि जिस दिन उनको कोर्ट से जमानत मिली थी उसी दिन उनके ऊपर एक और पर्चा दर्ज किया गया और इस दौरान उन्हें जेल से बाहर नहीं आने दिया गया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज असी अपने बहुत ही नज़दीकी मित्र साढ़े दोस्त साढ़े भाई लेट चौधरी संतोख सिंह जी उन्होंने पहली बरसी के मौके पर सारे ही चौधरी साहब के प्यार करने वाले उन्होंने नज़दीकी उन्होंने रिश्तेदार उन्होंने संबंधी पार्टी नाल संबंधित उन्होंने मित्र जिन्होंने लंबा अरसा सारे परिवार के नाल सफ़र तय किया, आज उन्होंने पहली बरसी के मौके पर सारे शरदा के फुल पेंट करने वास्ते सवेरे उन्होंने समाधि अज असी पहुँचे हैं। साढ़े सारिया वास्ते बहुत ही दुखदाई मौका है। चौधरी साहब एक बड़ी अजीम शख्सियत सन, एक बड़ी इंपोर्टेंट परसनैलिटी सन, अजे बहुत देश नूं पंजाब नूं ते परिवार नूं उन्हां दी लोड़ सी। दुख दा समा जिहड़ा दुख मंडान चौधरी साहब दे परिवार दे नाल लोग आए ने, चौधरी साहब दी पहली बरसी दे मौके उन्हां दी जिहड़ी यादगार समाध जिथे बनाई गई है उत्थे सारे इकट्ठे हुए है। चौधरी साहब दा जिहड़ा हर इंसान दे नाल बहुत ज़्यादा प्यार सी, हर वर्ग दे लोग दे नाल, गरीब ना अमीर ना नमाने ना, मैं देख रहा हर वर्ग दा लोग इत्थे आया है क्योंकि चौधरी साहब नूं हर बंदा प्यार करदा है।
तो कांग्रेस पार्टी वास्ते अपनी सारी जिंदगी अखीरले स्वास भी जड़े पार्टी दी भारत जोड़ो यात्रा दे विच राहुल गांधी दी राहुल गांधी होरां दी देख रेख विच अपना अखीरला साह भी कांग्रेस दे नाल कर गए। इस परिवार दा कांग्रेस नूं बहुत देना है। पंजाब में इस वर्ष जहां इतनी ठंड ने लोगों को घरों में सिकुड़ने को मजबूर कर दिया है, वहीं जालंधर की एनिमल प्रोटेक्शन फाउंडेशन के सदस्यों ने इतनी ठंड में शहर में आवारा घूमने वाले स्ट्रीट डॉग्स को ठंड से बचाने के लिए एक और नई पहल की शुरुआत की। गौरतलब रहे कि गत दिवस भी एनिमल फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा निक्कू पार्क में शहर के डीसी सहित गरीब बच्चों संग लोहड़ी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसके बाद फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा शहर में आवारा घूमने वाले डॉग्स के लिए फ्री में जैकेट्स बांटी गई। फाउंडेशन के प्रधान यूवी सिंह ने बताया कि घरों में पलने वाले डॉग्स को तो उनके मालिक उनका ठंड से बचाव कर लेते हैं, लेकिन घरों के बाहर सड़क पर पूरी रात मोहल्ले में पहरा देने वाले स्ट्रीट डॉग्स पर किसी का ध्यान नहीं जाता। वे उन्होंने कहा कि इसी नज़रअंदाजी को सही दिशा दिखाने के लिए फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा सैकड़ों आवारा स्ट्रीट डॉग्स को जैकेट्स पहनाई गई। यूवी सिंह ने दैनिक सवेरा के माध्यम से लोगों को अपील की कि शहरवासियों को मोहल्ले में घूमने वाले स्ट्रीट डॉग्स को ठंड से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस मौके पर एनिमल प्रोटेक्शन फाउंडेशन की पूरी टीम उपस्थित रही। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। तो हाँ जी, डॉग कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुका है। इस टाइम अगर डॉग कोर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सारे एनिमल लवर्स ने, एनिमल फीडर्स ने, डॉग्स नू आस पास इन्हां दा ध्यान रखते हैं। तो आज साडा फेसबुक दे विच ये जो आप पोस्टर शेयर किया सीगा उन्हें देख के इतने आए हैं, तो तुसी भी आ सकते हो। 3-4 बजे तक कैंपेन चल रही है। वी आर गिविंग दिस डॉग जैकेट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड जे तुसी भी चाहते हो कि तुहाडे एरिए दे विच जिहड़े डॉग्स हैगे उन्हां नूं ठंड लग रही है, तो तुसी आओ। ईच परसन आपां 2 जैकेट्स आ देनियां आ, 2 तों ज़्यादा आपां नहीं दे सकते। स्टार अस्पताल जालंधर में उन मरीजों के नवजात शिशुओं का जश्न मनाने के लिए लोहड़ी उत्सव मनाया गया जिन्होंने बच्चों को जन्म देने के लिए अस्पताल की मदद ली थी। इस कार्यक्रम में बहुत से लोगों ने अस्पताल और डॉक्टर मनदीप कौर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भाग लिया। स्टार अस्पताल शहर में कई वर्षों से बांझपन की बढ़ती समस्या का सामना कर रहे जोड़ों के लिए प्रजनन सेवाएं प्रदान कर रहा है और हाल ही में गुरु नानक मिशन चौक जालंधर में अपने नए स्थान पर स्थानांतरित हो गया है। बड़ी संख्या में एकत्रित हुए जोड़ों ने माता पिता बनने की खुशी देने के लिए डॉक्टर मनदीप कौर और स्टार अस्पताल के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कठिन समय में मदद करने के लिए अस्पताल के कर्मचारियों को भी धन्यवाद दिया। इस अवसर पर बोलते हुए सुपर स्पेशलिस्ट इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट डॉक्टर मनदीप कौर ने कहा कि दुनिया भर में लगभग हर जगह कई कारणों से बांझपन की समस्या बढ़ रही है, क्योंकि हमारी जीवन शैली बदल रही है और इनफर्टिलिटी केंद्र ऐसे जोड़ों के लिए आशा की किरण लेकर आए हैं। अपना खुद का बच्चा होना मनुष्य के लिए सबसे बड़ी खुशी है और ये देखकर बहुत दुख होता है कि बहुत से लोग अपने नियंत्रण से परे कारकों के कारण इस खुशी का अनुभव नहीं कर पाते हैं। वे उन्होंने कहा कि उन्हें माता पिता बनने में मदद करने से उन्हें इतना अच्छा एहसास होता है जिसे शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। ऐसे अवसरों का जश्न मनाकर वे ये ज्ञान फैलाना चाहते हैं कि अब चिकित्सा विज्ञान इस बिंदु पर पहुंच गया है कि अधिकांश जोड़ों को किसी न किसी रूप में उपचार की पेशकश की जा सकती है, ताकि वे अपने बच्चे के रूप में भगवान की सबसे बड़ी रचना का अनुभव कर सकें। सुपर विशेषज्ञ बेरिएट्रिक लेप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जन डॉक्टर जसमीत सिंह आलूवालिया ने कहा कि यह अस्पताल गर्भ धारण करने वाले दंपतियों को सर्वोत्तम परिणाम देने के लिए नवीनतम तकनीकों से सुसज्जित है। आईवीएफ लेबोरेटरी और ऑपरेशन थिएटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप बनाए गए हैं। हर कदम पर रोगी की देखभाल अत्यंत सावधानी से की जाती है, क्योंकि ये रोगी कई बार भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। उन्होंने कहा कि उनके स्टाफ को ऐसे रोगियों की देखभाल के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन कुलदीप सिंह की रिपोर्ट।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ IVF ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ IVF ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ IVF ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਓਕੇਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਓਕੇਜ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਲੰਧਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੰਸੀਵ ਹੋ ਪਾਏ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ IVF ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ IOI ਕੀਤੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ IVF ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਰਹੇ। ਸਟਾਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਦ ਦੈਮ ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇ ਕੈਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਅਸ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਇਕੁਪਮੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ IVF ਦੀ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਮਲੀ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮੁਹੱਲਾ ਨੰਬਰ 17 ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਮੇਂ ਲੋਹੜੀ ਕਾ ਪਰਵ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਸੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਝੰਡੇ ਕੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਮਾਘ ਮਾਹ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਓਂ ਕਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਜੂ, ਲਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਊਸ਼ਾ, ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਵ ਅਨਯ ਭਕਤਜਨ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਰਾਜਪੂਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਮਾਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਬਕਾ ਭਲਾ ਮੰਗਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮਾਘ ਕਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਸੇ ਪ੍ਰਭਾਤਰੀ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਪਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਨਾਰਾ ਗੂੰਜੇਗਾ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਕੀ ਧਜਾ ਆਗੇ ਆਗੇ ਚਲੇਗੀ। ਸਭੀ ਛਾਉਣੀ ਨਿਵਾਸੀਓਂ ਸੇ ਵਿਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਪਰ ਸੁਬਹ ਆਕਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬੜਾਏ ਔਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੇ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਬਹੁਤ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਗਿੱਧੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਾਘ ਮਹੀਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਮਾਘ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਨਕੇ ਨਿਵਾਸਾਂ ਪਰ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਮੇਂ ਹੀ ਬਿਠਾਈ ਹੈ। ਹਮ ਉਨਕਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਉਣੇ ਸੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਸੇ ਲੇਕਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਚਲੇਗੀ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਵੀ ਹਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ। 22 ਜਨਵਰੀ ਕੋ ਅਯੋਧਿਆ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਰੋਹ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਊਸ਼ਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਓਂ ਕੋ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ। ਗਿਆਨੀ ਪੰਡਿਤੋਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਮੇਂ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵ ਮੰਤਰੋਚਾਰਨ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਤਦੋ ਉਪਰੰਤ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਧਵਜ ਵ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਧਵਜੋ ਕੇ ਸਾਥ ਕੰਜਕ ਰੂਪੀ ਕੰਨਿਆਓਂ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ, ਨਿਊ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ, ਅੰਬਿਕਾ ਕਾਲੋਨੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ ਵ ਸਾਥ ਲਗਤੇ ਅਨਯ ਸ਼ੇਤਰੋਂ ਮੇਂ ਸੇ ਨਿਕਲੀ। ਧਵਜ ਯਾਤਰਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਸੰਕੀਰਤਨ ਮੰਡਲ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੇ ਭਜਨ ਗਾਤੇ ਹੋਏ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਰਾਮਮਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿੱਤਲ, ਜਤਿਨ ਗੁਪਤਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਉਰਫ ਕਾਲਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ, ਦੀਪੂ, ਰਸ਼ਮੀ, ਅੰਕੁਸ਼, ਸਨੇਹਲਤਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਨਨਚਾਹਲ, ਜੋਨੀ ਖੰਨਾ, ਸੰਜੀਵ ਦੁੱਗਲ, ਆਸ਼ੂ ਭਗਤ, ਰਾਮ ਕੋਛੜ ਭਾਨੂ ਵ ਅਨਯ ਭਕਤਜਨ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਡਿਤ ਸੁਖਾਨੰਦ ਤਿਵਾਰੀ, ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਮੰਦਿਰ, ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਤਾਈਏ। ਅਯੋਧਿਆ ਧਾਮ ਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਅਛਤ ਕਲਸ਼ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਹਮ ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕੇ ਸਾਥ ਯੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹੈ।
और क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? हम इसमें कहना चाहेंगे कि पता नहीं कितनी हमारी पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन कभी भी हमारे भगवान सदा टेंट में ही रहे। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि उनको जो महलों के अधिकारी थे उनको महलों में पहुंचा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। उसी के उपलक्ष्य में हम ये भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है राम मंदिर के उपलक्ष्य में, उसमें मोहल्लावासी के सहयोग के साथ सभी लोगों ने एक बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है, हमारा सहयोग दिया। उषा रानी मंदिर विकासपुरी सभी मोहल्लावासियों की ओर से बहुत बहुत मुबारक राम मंदिर के विषय में। जय श्री राम, जय श्री राम। फिरोजपुर में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर खालसा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी फिरोजपुर छावनी और इलाके की संगत के सहयोग से पांच प्यारे और गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगुवाई में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। लोगों ने जगह जगह स्वागती गेट सजाकर लंगर लगाए और फूलों की वर्षा कर नगर कीर्तन का भरपूर स्वागत किया। गतका पार्टियों ने अपनी कला के जौहर दिखाए और कीर्तन रागियों द्वारा कीर्तन कर संगत को निहाल किया गया। ये नगर कीर्तन खालसा गुरुद्वारा फिरोजपुर छावनी से शुरू होकर जीटी रोड आजाद चौक नेमवाला चौक से होते हुए खालसा गुरुद्वारा साहिब में आकर संपन्न हुआ। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश दिहाड़े के उपलक्ष्य में आज खालसा गुरुद्वारा फिरोजपुर छावनी तो नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है, जो कि पांच प्यारियां दी अते गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगवाई हेठ निकल रहा है। फिरोजपुर दियां संगतां बड़े उत्साह नाल बड़े श्रद्धा नाल नगर कीर्तन शामिल हो रही ने। यह नगर कीर्तन खालसा गुरुद्वारे तो चल के जीटी रोड होंदिया मेन बाजार तो होंदा होया आजाद चौंक तो फिर वापस खालसा गुरुद्वारे पुजेगा और इस उपलक्ष्य में कल नूं अखंड पाठ साहब रखे जाएंगे, जिन्हों का कि 17 तरीक सवेरे भोग पेगा और उस तो उपरंत समागम सारा चलेगा, जिस विच श्री दरबार साहब तो रागी जत्था कथावाचक आके संगतां नूं बाणी नाल निहाल करेंगे। सो ये सारा ही प्रोग्राम फिरोजपुर दी संगतां नूं खालसा गुरुद्वारा कमेटी वालों लिखा गया है। आरंभ में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। तरन तारण के अधीन आते जब्बाल के सरपंच के अज्ञात व्यक्तियों ने गोलियां चलाकर की हत्या, काफी वर्षों से राजनीति में थे सक्रिय। अमृतसर के गांव छिना करम सिंह में भुग्गा जलाकर लोहड़ी मना रहे परिवार पर धमाके के बाद गिरी चिंगारियां, बाल बाल बचा परिवार। श्री चामुंडा देवी मंदिर प्रबंधक कमेटी न्यू जवाहर नगर मॉडर्न कॉलोनी जालंधर की तरफ से निकाली गई कलश यात्रा, 22 जनवरी के दिन लोगों को घरों में दिए जलाने का किया आह्वान। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।